की प्लानिंग करना और करियर को डिजाइन करना एक कला है और राजनीति में करियर डिजाइन करना कोई खेल नहीं है। कब आपका खेल बिगड़ जाए कुछ पता नहीं, पर अगर कोई खिलाड़ी करियर डिजाइन करे तो मान लीजिए कि वो बहुत बड़ी प्लानिंग करके आ रहा है। नमस्ते, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। करियर, खेल, ये सब देख सुन करके आप क्या सोच रहे होंगे मैं जानती हूँ। नवजोत सिद्धू, नहीं नहीं यहाँ बात हो रही है बच्ची की। उन्होंने आम आदमी पार्टी से एक दोस्ती की है और आम आदमी पार्टी पंजाब से उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने जा रही है। पहले हरभजन सिंह की भाजपा से जुड़ने की चर्चा थी और बीच में पंजाब के कांग्रेस चीफ रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने भी उन्हें कांग्रेस में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन भज्जी अपने खेल में काफी मजे हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने कांग्रेस को भी झटका दिया और भाजपा को भी झटका दिया और गेम खेला आम आदमी पार्टी के साथ मिल करके। वो आप में शामिल ना होते तो देखिए करते भी क्या। और आप सोच रहे होंगे कि एक खिलाड़ी जब संन्यास लेता है तो उसके सामने क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। दरअसल खिलाड़ी बन करके क्रिकेट में उन्होंने जो दिखाना था वो उन्होंने दिखा दिया और क्रिकेट से संन्यास के बाद भज्जी ने मॉडलिंग और एक्टिंग में किस्मत आजमाई, लेकिन ज्यादा कामयाबी उन्हें नहीं मिली। उनके पास सिर्फ क्रिकेट कमेंट्री का ही काम रह गया था, यानी एक तरह से भज्जी के राजनीतिक करियर को आप में एक बहुत सी सेफ सी शुरुआत मिल गई। हरभजन पंजाब में रह करके क्रिकेट एकेडमी चलाते हैं, सबको पता है, इसलिए वे पंजाब में ही रहना चाहते थे। यहाँ उनको एक तरह से डबल फायदा हो गया, वह पंजाब से चुने जा रहे हैं और यहाँ सरकार भी आम आदमी पार्टी की है और आम आदमी पार्टी में भज्जी को एक कहना चाहिए कि बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल गया है। फिलहाल आप में अरविंद केजरीवाल के बाद कोई राष्ट्रीय चेहरा नहीं है, इससे भज्जी को राजनीतिक तौर पे एक बड़ा मौका मिल सकता है। और भाजपा में भज्जी क्यों नहीं गए ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जिस समय किसान आंदोलन शुरू हुआ और भाजपा का विरोध थम नहीं रहा था, पंजाब चुनाव में भाजपा को 117 में से सिर्फ 2 सीटें मिली। ऐसे में भाजपा के साथ भज्जी को अपना राजनीतिक भविष्य जो है ज्यादा अच्छा नहीं दिखाई दिया और भाजपा ने वैसे उन्हें राज्यसभा सांसद बनाने का सोचा हुआ था, उसे भरोसा भी दिया था। इससे भज्जी की पंजाब से दूरी बढ़ जाती और पंजाब में उन्हें अपनी क्रिकेट एकेडमी चलानी थी, इसलिए वो भाजपा के साथ नहीं गए। हालांकि कुछ पता नहीं है कल को क्या होगा, लेकिन फिलहाल वो भाजपा के साथ नहीं जुड़े। भाजपा में वैसे भी बहुत दिग्गजों की भीड़ है, ऐसे में हाई प्रोफाइल चेहरों के पीछे हरभजन का चेहरा कहीं खो जाता और राष्ट्रीय स्तर पे पहचान बनाने और उसको बुनाने के लिए भाजपा उन्हें ज्यादा अच्छा मौका नहीं दे पाती, ऐसा उन्हें मालूम था। और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी को इससे फायदा हुआ है, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पे एक बड़ा चेहरा मिल गया और अरविंद केजरीवाल हरभजन की क्रिकेट की पहचान को अब बहुत अच्छा से भुनाएंगे। दूसरे, उन्हें एक टर्मिनेटर मिल गया, कहना चाहिए कि पंजाब से एक शुरुआत करने के लिए एक सिक्स चेहरा उन्हें मिल गया। खिलाड़ी को सांसद बनाने से दूसरे खिलाड़ी भी पार्टी से इम्प्रेस्ड होंगे, प्रभावित होंगे, उन्हें लगेगा कि पंजाब सरकार खास तौर पे अरविंद केजरीवाल खेल को काफी सीरियसली ले रहे हैं। भाजपा में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए हरभजन की मदद मिलेगी और हरभजन के बहाने उन्हें यूथ का सपोर्ट भी मिलेगा। और कहिए कि भज्जी की बल्ले बल्ले होने वाली है, फिरकी गेंदबाज रहे हरभजन सिंह के राजनीतिक करियर की शुरुआत भी किसी फिरकी से कम नहीं रही। उनकी शुरुआती बात भाजपा से हुई, भाजपा ने उन्हें
पंजाब में सीएम के चेहरे की तरह केंद्र में रख करके चुनाव लड़ने को एक उन्हें दाव खेला था। हरभजन ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, इसलिए भाजपा उन पर दाव खेलना चाहती थी। हालांकि जब कांग्रेस ने दलित चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी को आगे कर दिया तो भाजपा पीछे हट गई। यहाँ मैं एक चीज आपको बता दूं कि भाजपा बहुत सोच समझ के निर्णय लेती है। अगर भज्जी बहुत शातिर है तो भाजपा का जो डिसीजन लेने वाला प्लेटफॉर्म है वहां पर बहुत सधे हुए लोग बैठे हुए हैं। इसके बाद कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू चुनाव से पहले ही हरभजन से मिले और सिद्धू चाहते थे कि वो चुनाव में लड़े। हरभजन के कांग्रेस में आने की उम्मीद भी थी, हालांकि ये खेल तब खराब हो गया जब कांग्रेस ने सिद्धू को ही किनारे करके चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम का चेहरा बना दिया। कांग्रेस ने मौका न देख करके हरभजन और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का संपर्क होता है। हरभजन चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चुनाव के बाद राज्यसभा भेजे जाने पे एक सहमति बनती है। पंजाब में 5 सीटें खाली भी हो रही थी। 10 मार्च को आपकी सरकार आ गई और जिसके बाद हरभजन ने केजरीवाल से मुलाकात की और वो फाइनली आपसे जुड़ गए। अब पंजाब से आपके राज्यसभा उम्मीदवार बन गए। तो दोस्तों, ये थी भज्जी की एंट्री पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे आने की खेल के मैदान से। मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताना चाहें तो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, फिर आपसे मिलती हूँ किसी नई कहानी के साथ, किसी नई खबर के साथ, किसी नए अपडेट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।